नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि जो लोग हरितालिका तीज व्रत रहते हैं, क्या उन्हें करवा चौथ व्रत रहना चाहिए। बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि मैं हरितालिका तीज व्रत रहती हूँ तो क्या मैं करवा चौथ रह सकती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो हरितालिका तीज व्रत रहता है उसे करवा चौथ व्रत नहीं रहना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद हरितालिका तीज व्रत रहती हूँ और साथ में मैं करवा चौथ व्रत भी रहती हूँ। चूँकि करवा चौथ व्रत हमारे घर में हमारी भाभी रहती थी, तो ये व्रत कोई भी नया व्रत शुरू करने के लिए आप अपने मायके के पैसे से ही शुरू करना चाहिए। उसी के पैसे से आपको करवा खरीदना चाहिए और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो आप मायके जाकर ही व्रत शुरू करें। और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो सहते नहीं हैं, जैसे कि कुछ व्रत लोग पहले रह रहे हैं आपके घर में, आपके जो सासू माँ हैं या आपकी भाभी हैं, चाची हैं, ये पहले से रह रही होती हैं, बट किसी कारण से उस दिन जिस दिन व्रत रहता था, जैसे कोई भी व्रत है, मान लिया ललही छठ का व्रत है, तो उस दिन व्रत था और किसी की डेथ हो जाती है तो वो व्रत सहता नहीं है, तो वो व्रत नहीं रहना चाहिए। कि कोई व्रत रह रहा हो और उसके बाद उस दिन किसी की डेथ हो जाती है तो वो व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, वो व्रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वो व्रत सह नहीं रहा है। और वो व्रत तभी शुरू होता है जब उस दिन फिर से किसी का घर में जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है उस दिन पे, तो वो व्रत दोबारा शुरू किया जा सकता है। बट करवा चौथ का व्रत अगर आपके घर में अब तक किसी ने नहीं रहा हो तो आप उस व्रत को शुरू कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी व्रत करते हो, हरितालिका तीज व्रत करते हो, कजरी तीज करते हो, कोई भी व्रत करते हो, आप उसके साथ करवा चौथ व्रत शुरू कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत शुरू करने के समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि सुबह सरगी खानी चाहिए, उसके बाद दिन में आपको पूजा करनी चाहिए, करवा की पूजा करनी चाहिए, लाल रंग का कपड़ा पहनने चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रह रहे हो तो आपको अपने शादी का जोड़ा ज़रूर पहने, नथिया बिंदी और पैर में बिछिया ज़रूर पहने, आलता ज़रूर लगाएं, उसके बाद कथा सुने, पूजा करें करवा चौथ माता की, गणेश भगवान जी की, माता पार्वती की, उसके बाद शाम को अर्घ देकर चंद्र देवता की पूजा करें और उसके बाद चलनी में चांद देखकर फिर पति को देखें और उसके बाद आपने व्रत का पारण करें। तो ये पूरी विधि है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हरितालिका तीज व्रत रहते हैं वो करवा चौथ नहीं रह सकते। इस समय उत्तर भारत में तीज व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं रहते हैं कि मैं तीज रहती हूँ, मैं करवा चौथ नहीं रह सकती, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। धीरे धीरे बहुत से लोग करवा चौथ व्रत शुरू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है, अमर सुहाग के लिए माना जाता है, सदा सुहागिन रहने का ये व्रत है। तो आप ये व्रत ज़रूर करें। आप तीज व्रत रहते हैं उसके बावजूद भी आप करवा चौथ व्रत रह सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता की ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।